हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू रिंग टिप्स यूट्यूब वर्ल्ड कुमार हेमंत। नो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियाँ। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कोरोना काल में लोगों की लापरवाही किस तरीके से है। ये वैक्सीन सेंटर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार के सहरसा ज़िले से है। ना ही सोशल डिस्टेंस है और ना ही यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से इसे कायम करने की कोई व्यवस्था दिख रही है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। क्या इस तरीके से कोरोना से बच पाएंगे या फिर यहाँ आकर वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। लोगों का ध्यान एक और घर पे फेस मास्क को यूज करना, सैनिटाइजिंग के साथ रहना और सोशल डिस्टेंस की कवायद जो कि आप देखते रहते हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेयर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ वो खुद जानबूझकर अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख पा रही है। इसकी वजह जो कि यहाँ पर पाई गई ट्यूरिंग टिप्स के माध्यम से, तो यहाँ पर देखा गया कि समय पर नहीं मिल पाई वैक्सीन सेंटर को उपलब्ध जो कि वैक्सीन की थी, कोविड कि वैक्सीन जो आप जान रहे हैं कि इन दिनों दिए जा रहे हैं हर वैक्सीन सेंटर को, हर स्टेट के हर वैक्सीन सेंटर को मिल रही है कोविड की वैक्सीन, जो कि आप जान चुके हैं कि ये कोवैक्सीन के नाम से है और कोविशील्ड के नाम से, और इन दिनों स्पुतनिक की भी वैक्सीन आ चुकी है जो कि आज से ही शुरू हो चुकी है। अगर अब बात की जाए तो देश भर में पूरे 17,93,000 लोगों को अब तक कोविड की खुराक दी जा चुकी है और कोविड वैक्सीन की जो ये वैक्सीन है वो मिल चुकी है लोगों को। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आए हुए लोग जो कि वैक्सीन लेने आए हुए हैं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इन्हें भय है कि कहीं हमें वैक्सीन की आपूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के थ्रू, जो कि वैक्सीन सेंटर पर दी जाती है, कि उनका आधार कार्ड के जो स्लॉट के नंबर है और उनका जो टाइमिंग है उनको फीड किया जाता है, उसके बाद उन्हें टीकाकरण में भेज दिया जाता है। तो टीकाकरण के स्थान पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है, लेकिन लोगों में ये धैर्य नहीं है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लें। वैक्सीन ले ज़रूर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोविशील्ड को वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। ज़रा सोच कर देखें कितने लापरवाह हो सकते हैं आप। अभी ये कोविड की दूसरी लहर है और अभी तीसरी लहर आनी बाकी है, सो सुरक्षित रहें। इस कोरोना महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंस का पालन कर आप खुद और औरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं।